अमृतसर के हाल गेट तो इतिहासिक जलियांवाला बाग तक कांग्रेस की संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा कढ़ी गई है। इस यात्रा दौरान पंजाब कांग्रेस के कई नामी चेहरे इस यात्रा च शामिल होए ने, जिन्हां विच कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग, खब्बे पक्षी लीडर अते पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी भी मौके पर मौजूद सी। पत्रकारां दे नाल गलबात करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी प्रधान राहुल गांधी नाल प्रधानमंत्री वालों जिस तरह का सलूक किया गया उस तो यह साफ है कि जे कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा तो उसका राहुल गांधी जिहा हाल किया जाएगा। और साथीगण अज का जो मार्च सीगा रोस मार्च के वालों असी यह जिहड़ा हाल गेट तो कढ़ के जलियांवाले बाग एरी समाप्ति की है और ये लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और देश के अंदर संविधान को तोड़न दियां जिहड़ियां कारवाइयां वो शुरू हो गई हैं। तुसीं देखिया होना पिछले दिन ही कि जो राहुल गांधी ते अटैक सीगा किस प्रकार राहुल गांधी जी नू एक मान हानि दे मुकदमे दे विच दो साल की सज़ा कराई हुई और सज़ा होने तो बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हां दी सदस्यता रद्द कर दी गई और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हां नू घर खाली करन दा नोटिस दे दिता गया। एक लोकतंत्र नू तोड़न की बहुत वड्डी मिसाल है और संविधान नू तोड़न की बहुत वड्डी मिसाल है। देश की सब तो वड्डी पार्टी राजनीतिक ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी सब तो पुरानी पार्टी और सब तो पुरानी पार्टी दे मुख लीडर जेडे कि देश के प्रधानमंत्री नू सवाल चुकते हैं जो एक महीना पहला अडानी जी के खिलाफ राहुल गांधी ने देश की संसद दे विच सवाल चुके और कई सवालों पर जवाब मंगया। ये बंद पई कार्रवाई कई सालों तो 2019 का केस जिहड़ा दर्ज सीगा भाषण करनाटका च दिता और केस दर्ज सूरत दे विच होया गुजरात के अंदर किन्ना दी सरकार है थानू पता है और वो दोबारे और प्रोसीडिंग ते कार्रवाई चली और एक महीने के अंदर अंदर कार्रवाई मुकम्मल करके दो साल की सज़ा दे दी गई। हालांकि 150 के करीब लोकसभा जोड़े मैंबर है BJP के उन्होंने बहुत संगीन मुकदमे दर्ज ने जिन्हों का कई सालों तो केस चल रहे हैं लेकिन हजे तक कोई फैसला नहीं आया। सो ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने से। इस तरह अगर तानाशाह BJP सरकार सच बोलन ते इस तरह सज़ा सुनाएगी और इस तरह सदस्यता रद्द कर देगी तो आने वाला समा किहो जिहा होएगा और इस सदस्यता राहुल गांधी की रद्द करके दूसरियां ओपोजिशन पार्टीज़ नू ते लोकां नू सुनेहा देने की कोशिश की है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री तो कोई सवाल पूछेगा अगर कोई उच्ची आवाज़ बुलंद करके कोई उन्हां तो सवाल पूछेगा तो ओरा यही हशर होएगा जो राहुल गांधी नाल कीता गया। सो इस करके अज असी तमाम लीडर साहबान आने वाले समय च असी पूरे पंजाब दे विच इस तरह के रोस मार्च करांगे। असी देश की जनता कोले और पंजाब की जनता कोले जावांगे कि ये हालात ने लोकतंत्र दे आओ। इस करके अज जलियांवाला बाग दे विच शहीद आजम उधम सिंह जी ने जिस तरह कई साल बाद माइकल जनरल माइकल अडवायर का छाती च गोलियां मार के बदला लिया सी देश की आज़ादी दे लई अज किसी नूं गोली चलाउण दी लोड़ नहीं है लेकिन मैनू लगता है कि सारयां नूं कट्ठे मिल के
ये कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, देश को दोबारा फिर बचाने की लोड़ है। आओ सारे रल मिल के, मैं अज जलियांवाले बाग तो पंजाब के लोगों को सुनेहा देना चाहना है, आओ आने वाले समय सारे लोग इकट्ठे होके असी सच की आवाज़ बुलंद करिए और साढ़े संविधान को बचाने के आसे आपका योगदान पाइए।